बेशर्म पुलिस, कोविड पेशेंट तक से रिश्वत लेने पहुंच गया पुलिस वाला, फिर पेशेंट ने यह सब किया उसके साथ। उत्तर प्रदेश के एक दवा कारोबारी से गंगानगर जिले के जवाहर नगर थाना अधिकारी और उनकी पुलिस टीम ने 25 लाख रुपए ले लिए, वह भी उस केस में फंसाने के नाम पर जिसमें कारोबारी की भूमिका स्पष्ट ही नहीं थी। रिश्वत लेने की इतनी जल्दी थी थाना अधिकारी और कांस्टेबल को कि कारोबारी के कोविड पेशेंट होने पर भी दिल्ली तक रिश्वत लेने पहुंच गए। जब कारोबारी ने इस पूरे मामले में एसीबी की मदद ली तब जाकर इस केस का खुलासा हुआ। एक महीने से रिश्वत लेने की दौड़ जारी है, लेकिन अब जयपुर में इसका अंत हुआ है। कोविड पेशेंट से ही रिश्वत लेने पहुंच गया बेशर्म सिपाही। दरअसल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हरदीप सिंह और उनके भतीजे पवन कुमार अरोड़ा की उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में श्री गुरु तेग बहादुर फार्मा के नाम से दवा की फार्म है। यहां से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दवा की सप्लाई की जाती है। पिछले महीने गंगानगर के सदर थाने में थाना अधिकारी राजेश कुमार सियाग ने दवाओं में मिलावट और गड़बड़ी का एक केस दर्ज किया था। इस केस में हरदीप और पवन अरोड़ा की फार्म को भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हरदीप सिंह के अनुसार उनकी फार्म की कोई भी स्पष्ट भूमिका इस केस में नहीं होने के बाद भी एसएचओ सियाग लगातार दबाव बना रहा था। पिछले महीने की 18 तारीख को थाने से सिपाही नरेश मीना और एएसआई सोहन लाल आए। दोनों ने हरदीप सिंह के भतीजे पवन को एक होटल में बुलाया और वहां से गिरफ्तार कर गंगानगर ले जाने की धमकी दी। कहा कि अगर सेटलमेंट चाहते हो तो 15 लाख रुपए दे दो। पवन ने पुलिस कर्मियों के धमकाने से 15 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद 25 अक्टूबर को फिर से नरेश मीना ने हरदीप और पवन कुमार को फोन कर कहा कि मामला सेटल नहीं हुआ है और अभी 25 लाख रुपए और लगेंगे। इस पर हरदीप सिंह ने बताया कि वे दिल्ली एडमिट हैं और उनको कोरोना हुआ है। बेशर्म पुलिसकर्मी नरेश ने हरदीप से ही कानपुर से दिल्ली जाने का एयर टिकट बुक करवाया और नरेश कोविड पेशेंट से ही रिश्वत लेने पहुंच गया, लेकिन उस समय हरदीप ने कुछ हजार रुपए देकर नरेश को भेज दिया। बाद में दोनों पक्षों ने 15 लाख में सौदा तय हुआ। इस बार 10 लाख रुपए जयपुर में देना तय हुआ। जयपुर के एक होटल में नरेश मीना पहुंचा और रुपए लेने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान एसीबी ने उसे धर लिया। दरअसल हरदीप ने पहले ही जोधपुर एसीबी अफसरों से इस बारे में संपर्क कर लिया था। जयपुर में रिश्वत लेने के दौरान नरेश को गिरफ्तार किया गया। जानकारी में एसएचओ राजेश कुमार सियाग का नाम भी आया और गंगानगर में उसे गिरफ्तार करने की तैयारी की गई, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही वह फरार हो गया। इस पूरे मामले को लेकर अब सियाग की तलाश की जा रही है और उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।